बीजेपी को धोखा देने वालों को सबक सिखाएगा बिहार। नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी ने बोला हमला। जेडीयू ने मोदी को बताया कुटिल और हवा हवाई। आम चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर छेड़ा राम राग। यूपी प्रभारी अमित शाह ने नए सिरे से उछाला अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मसला। कांग्रेस ने कहा सिर्फ वोट के लिए ना ले राम का नाम। बीजेपी की पूर्व सांसद हेमा मालिनी को नहीं पता कौन है अमित शाह। वृंदावन में पार्टी के यूपी प्रभारी से जुड़े सवाल पर अटकी ड्रीम गर्ल, लेकिन मोदी की शान में कड़े कसीदे। आम चुनाव की आहट के बीच मायावती की सोशल इंजीनियरिंग शुरू। लखनऊ में बीएसपी का ब्राह्मण महासम्मेलन आज। 2007 की कामयाबी दोहराने की तैयारी। बेनी बाबू ने फिर बोला मुलायम पर हमला। बीएसपी के साथ सांठगांठ का लगाया आरोप। एसपी समर्थकों ने बेनी को बताया मानसिक रूप से बीमार। बीकानेर के एक गर्ल्स हॉस्टल में सनसनीखेज वारदात। से फिर प्रेमी ने लड़की बनकर प्रेमिका का किया मर्डर, बाद में खुद को भी किया चोटिल। एमपी के राघव जी अश्लील सीडी कांड में अहम मोड़। पूर्व मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले नौकर के पिता ने बेटे को बताया झूठा। थाने में लिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। नोएडा में 20 साल के लड़के का किडनैपिंग ड्रामा। घर वालों से रुपए ऐंठने के लिए खुद को कराया किडनैप। पुलिस ने किया मामले का भंडाफोड़। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भयानक हवाई हादसा। लैंडिंग के वक्त प्लेन में लगी भीषण आग। रनवे पर उतरते ही उड़े पर खच्चे। सभी मुसाफिर सुरक्षित। और मिस्र में विपक्ष के नेता अल बर्देई बने अंतरिम प्रधानमंत्री। आईएईए के पूर्व प्रमुख है बर्देई। सैन्य तख्तापलट के बाद मोर्चे समर्थकों और विद्रोहियों पर संघर्ष जारी।